वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मिड टर्म्स का डिटेल स्टडी किया था, ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था और गेट के थ्रू टेबल का, एंड वी फॉर्म द बुलियन इक्वेशन विच इज़ इन द एसओपी फॉर्म, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्स टर्म का डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ सम दैट इज़ POS फॉर्म लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैक्स टर्म और मैक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म फॉर्म। सो इन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी द मिन टर्म्स, इन दैट वी कंसिडर द आउटपुट टू बी अ लॉजिकल वन। तो वहाँ पे हमने और गेट का ट्रुथ टेबल लिया था, ठीक है, जिसमें हमने कंसिडर किया था कि जो आउटपुट है वाई विच इज़ लॉजिकली वन, बट इन टर्म्स ऑफ दिस मैक्स टर्म वी कंसिडर द आउटपुट टू बी लॉजिकल जीरो। तो यहाँ पे हम आउटपुट जो रहेगा वाई विच इज़ कंसिडर एज अ लॉजिकली ज़ीरो हियर। सो फॉर दैट वी टेक अगेन द सेम एग्जाम्पल ऑफ और गेट। तो यहाँ पे हमने और गेट का यहाँ पे ट्रुथ टेबल लिया हुआ है। इट कंटेन्स द फर्स्ट कॉलम एज अ डेसिमल नंबर, सेकंड वन विल बी द इनपुट्स विच इज़ ए एंड बी, टू इनपुट और गेट इज़ यूज, एंड थर्ड वन इज़ द आउटपुट विच इज़ डिनोटेड बाय वाई, एंड द मैक्स टर्म इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। जिस तरह से मिन टर्म्स जो है वो आपका स्मॉल एम से डिनोट होता है, सेम मैक्स टर्म इज़ ऑल्सो डिनोटेड विद द लेटर एम, बट इट इज़ इन कैपिटल फॉर्म। सो कैपिटल एम विच डिनोट्स द मैक्स टर्म फॉर्म, सो दैट्स वाई हियर एम ज़ीरो, एम वन, एम टू एंड एम थ्री इज देयर। सो दिस इज इन डेसिमल 0, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन है व्हेन ए इज़ 0 एंड बी इज़ 0, सो और गेट गिव्स द समेशन मीन्स एडिशन, सो दैट इज ए प्लस बी इज़ देयर, सो ए इज़ 0, बी इज़ 0, आउटपुट इज़ 0। सेकेंड कॉम्बिनेशन विल बी ए 0 एंड बी इज़ इक्वल टू 1, सो इन दैट कंडीशन वी टेक द कॉम्प्लीमेंट बिकॉज वी नीड द आउटपुट टू बी अ 0, सो इन दैट ए इज़ टेकन एज इट इज़, एंड इंस्टेड ऑफ दिस बी इज़ 1 वी आर कंसिडरिंग द बी बार, मीन्स दिस 0 + 1 मीन्स दिस 0 + 1 बार, 1 बार मीन्स इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 0, सो 0 + 0 इज 0। थर्ड कॉम्बिनेशन ए इज़ 1, बी इज़ 0, सो दिस ए इज़ टेकन एज अ ए बार बिकॉज इट इज़ 1, सो वी आर टेकिंग इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंड बी एज इट इज़ हियर, सो दिस 1 बार + 0, सो 1 बार मीन्स इट इज़ 0, 0 + 0 द आउटपुट इज़ 0, सो y इज इक्वल टू 0। फोर्थ कॉम्बिनेशन विल बी a इज़ 1, b इज़ 1, सो देर इज़ a बार प्लस b बार इज़ देयर, दिस a बार इज, दिस इज़ 1 बार, दिस इज़ b बार दैट इज़ 1 बार, सो दिस इज़ 0, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज अगेन 0, सिंस 0 + 0 इज 0, सो ऑल द आउटपुट्स आर 0 इन दैट। सो द फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ सम दैट इज POS फॉर्म। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ज़ीरो, दिस एम ज़ीरो इज नथिंग बट द एम फॉर मैक्स टर्म, सो विच इज़ द कैपिटल एम, सो एफ ऑफ एक्स एंड दिस एक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इनपुट्स, सो देर आर टू इनपुट्स आर देयर, सो एफ इज ब्रैकेट ए कॉमा बी, ए एंड बी आर द इनपुट, सो इज इक्वल टू इट इज एम ज़ीरो, सो इट कैन बी ऑल्सो डिनोटेड एज एफ इन ब्रैकेट ए कॉमा बी इज इक्वल टू पाए एम, ओके, सो दैट इज द फंक्शन एफ एक्स। सो द आउटपुट ऑफ और गेट इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट इज द इक्वेशन फॉर द और गेट, देन अगेन वी टेक द वन एग्जाम्पल विच इज़ फॉर द एंड गेट, फॉर दैट वी कंसिडर द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। जैसे हमने और गेट का ट्रुथ टेबल कंसिडर किया था, तो अभी हम सेम तरीके से एंड गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एंड उसमें हम मैक्स टर्म के लिए टर्म्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सो अगेन सेम, फर्स्ट कॉलम इज डेसिमल नंबर, सेकेंड इज इनपुट्स, थर्ड वन इज द आउटपुट,
ए एंड बी आर द इनपुट्स, वाई इज द आउटपुट, द डेसिबल नंबर इज फ्रॉम 0, 1, 2, 3, दिस इज कैपिटल एम, सो इट डिनोट द मैक्स टर्म, एम जीरो, एम वन, एम टू एंड एम थ्री इज देयर. सो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज ए इज जीरो एंड बी इज जीरो, सो इन दैट इट इज ए प्लस बी इज देयर बिकॉज we are interested in output to be a zero, so it will be a plus b. Second combination, a is 0, b is 1, so we are considering b as a b bar here because this b is 1, so 0 plus 0 is 0 because we are interested to making this output as a 0. Third combination will be a is equal to 1, b is equal to 0, so we are considering this a as a a bar. Means we are taking the complement of this 1 which is 0, so it will be a 0 and it will be a 0, so the ultimately output will be a y is a 0. Next combination is a is 1, b is 1, so we are taking the complements of both 1 bar and this 1 bar, so it will be a complement of 1 will be 0 plus 0, so the ultimately output y is equal to 0. So that is the truth table for the AND gate. And then we'll find the max term, which are fx is equal to this m0 plus m1 plus m2, and this x is nothing but number of inputs. Here number of inputs are 2, a and b, so f in bracket a comma b is equal to m0 into m1 into m1 into m2 is there, so there is a relation of product in between these three terms. So here f of a comma b is equal to, it is denoted by pi m, m for max term in bracket 0 comma 1 comma 2 is there, so which is in numerical form. Then final output y, which is nothing but the Boolean equation from this truth table, is y is equal to first term a plus b multiply, means dot is denoted for multiplication, second term a plus b bar multiply with the or product with third term a bar plus b, which is nothing but the this m2, that is the third term, means 0, 1, 2, these three terms we are multiplying, so that is called as the products of sum, because the first relation between these terms are product multiplication and then second relation is sum, that is addition, so which is nothing but the POS form. First relation between this term is a product, which is the multiplication. After that each individual term has a summation, so that's why it is a products of sum form. जिस तरह से हमें मिन टर्म्स में एस ओ पी फॉर्म मिला था सम ऑफ प्रोडक्ट, इसी तरह से मैक्स टर्म में आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स ऑफ सम, सो दैट इज द आउटपुट वाई विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी ओ एस फॉर्म. देन इन नेक्स्ट स्टेप वी सिंप्लीफाई दिस बुलियन एक्सप्रेशन विच इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी बार मल्टीप्लाई विद द ए बार प्लस बी, which is in POS form into the simplest form by using the Boolean theorems. So in that first step we will solve this bracket, so it we are multiplying each term with the this bracket term, so that is a dot a, second term a dot b bar is there, then second term will be the this b, so we get the this first bracket and the second bracket as it is, this a bar plus b. We are only solving these first two terms by simply bracket multiplication. Then after that we are taking some common terms in second term, so it can be a plus a b bar, this a dot a is nothing but the a, by using Boolean's theorem this a b bar a dot b as it is, and this b dot b bar means the term and its complement b dot b bar, it will taken as a 0, and the second term as it is a bar plus b. After that
दिस टर्म ए और द लेटर ए इज कॉमन बिटवीन दिस फर्स्ट थ्री टर्म्स सो द ए इज टेकन आउटसाइड द ब्रैकेट सो इनसाइड द ब्रैकेट द रिमेनिंग टर्म्स आर वन प्लस बी बार प्लस दिस बी इज देयर सो दिस विल बी टेकन इन टू द ब्रैकेट सेकेंड टर्म एज इट इज ए बार प्लस बी सो दिस वन प्लस बी बार प्लस बी विच इज ऑल्सो बाय यूजिंग द बुलियंस लॉ इट कैन बी रिटन एज अ वन सो दिस ए डॉट वन सेकेंड ब्रैकेट टर्म एज इट इज ए बार प्लस बी सो दिस ए एज इट इज इंटू ए बार प्लस बी इज देयर सो दिस वी आर मल्टीप्लाइंग विद द ब्रैकेट टर्म्स ए डॉट ए बार प्लस ए बी सो दिस ए प्लस सॉरी ए डॉट ए बार इज नथिंग बट द जीरो जिस तरह से हमने यहाँ पे बी डॉट बी बार इज कंसिडर एज अ जीरो सेम दिस ए डॉट ए बार इज ऑल्सो जीरो सो द फाइनल आउटपुट इज वाई इज इक्वल टू ए बी इज देयर ठीक है तो यहाँ पे टोटल थ्री टर्म्स थी तो बाई यूजिंग दिस सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा इट इज रिड्यूस इन टू द ओनली अ सिंगल टर्म विच इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ एंड गेट और बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द एंड गेट बिकॉज एंड गेट गिव्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स सो देर आर टू इनपुट्स ए एंड बी इज देयर सो वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी इज देयर सो दैट इज द फाइनल आउटपुट तो इसी तरह से मैक्स टर्म में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ठीक है तो थ्रू टेबल से आपको बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है एंड आफ्टर दैट बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा लॉज वी हैव टू रिड्यूस दैट बुलियन एक्सप्रेशन इनटू द सिंपल फॉर्म ठीक है तो जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक थ्रू टेबल दिया है जिसपे डेसिमल नंबर है इनपुट्स है आउटपुट्स है ये ऑलरेडी दिया है देर आर थ्री इनपुट्स ए बी सी इज देयर ठीक है तो यहाँ पे मैक्स टर्म दिए एम जीरो टू एम सेवन टोटल एट बिट्स आर गिवन फ्रॉम जीरो टू सेवन ठीक है तो इससे हमें पहले टर्म्स बनानी है ठीक है बुलियन एक्सप्रेशन के लिए एंड आफ्टर दैट दिस टर्म्स आर सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा रूल्स तो जहाँ पे भी वन है वहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पर ठीक है जैसे ए बी सी सो ए प्लस बी प्लस सी इज देयर एज इट इज ओके जहाँ पे भी वन है वहाँ पे सिर्फ बार आएगा सेकंड टर्म में ए प्लस बी इज देयर एंड दिस सी इज वन सो वी आर टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट सी बार इज देयर ठीक है तो जहाँ पे भी वन टर्म है तो वहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लेना है दिस बी बार दिस इज बी बार सी बार इज देयर लाइक दैट ठीक है तो इसी तरह से आपको ये टर्म्स फॉर्म करना है आफ्टर दैट जैसे हमने देखा कि मैक्स टर्म में आउटपुट जो कंसिडर होता है वो ज़ीरो कंसिडर होता है ठीक है तो जहाँ जहाँ ज़ीरो टर्म है दैट कैन बी टेकन इन टू द अकाउंट फॉर द मैक्स टर्म ठीक है तो जैसे अभी यहाँ पे एम ज़ीरो एम टू दिस एम फोर एंड दिस एम सिक्स इट्स आउटपुट विल बी अ ज़ीरो ठीक है तो बाकी जो रिमेनिंग है वो आउटपुट्स आपके वन है तो उनको आपको छोड़ देना एज इट इज़ ओनली वी आर इंटरेस्टेड इन ज़ीरो फॉर मैक्स टर्म इसके अपोजिट है मिन टर्म में मिन टर्म्स में हम कंसिडर करते हैं वन ठीक है मैक्स टर्म में हम कंसिडर करते हैं ओनली द आउटपुट ज़ीरो तो हम उन टर्म्स को क्या करेंगे कलेक्ट जैसे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है एम ज़ीरो एम टू ए प्लस बी बार प्लस सी दिस एम फोर ए बार प्लस बी प्लस सी एम सिक्स ए बार प्लस बी बार प्लस सी सो दीज आर द फोर टर्म्स वी आर कंसिडरिंग इन टू द मैक्स टर्म बिकॉज द इट्स आउटपुट विल बी अ ज़ीरो तो इससे हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एम दिस ज़ीरो टू फोर सिक्स क्योंकि उनका आउटपुट जो है वो ज़ीरो है ठीक है तो उसके रिगार्डिंग जो टर्म्स हमें मिली है थ्रू टेबल से वो हम यहाँ पे लिख लेंगे सो दैट इज़ द आवर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई विच इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म दैट इज पी ओ एस फॉर्म ठीक है तो इसमें जो रिलेशन है वो पहले प्रोडक्ट का है देन आफ्टर दैट इन इंडिविजुअल टर्म देर इज़ अ समेशन इज देयर ठीक है तो इसी एक्सप्रेशन को बुलियन लॉस से हमें रिड्यूस करना है एंड
द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज द मैक्स टर्म, फाइनल आउटपुट फॉर द मैक्स टर्म, ठीक है, विच इज नथिंग बट द सी, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करना है यूजिंग बुलियन लॉज। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कर्नोफ मैप दैट इज़ के मैप का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।